Hello students of class 6, this is Neetu Singh and today I am going to teach you a Conquer English book and the chapter is we are going to do is chapter 2. Let's see what is there in chapter 2. Yes, we have it. Now you can see there over here, the day nothing happened. इसका मतलब क्या होता है कि जिस दिन वो दिन था जिस दिन कुछ हुआ ही नहीं. ओके, नाउ सी, हियर इज़ गिवन, सम टाइम वी लुक बट वी डोंट सी. ऐसा कुछ होता है कि हमें जो दिखता है वो होता नहीं है, हम लोग यही मानते हैं. तो अब हम लोग जो चैप्टर्स है चैप्टर्स को रीडिंग स्टार्ट करना कर सकते हैं अब हम लोग. नाउ सी, नपुट एंड हिज सिस्टर नदीन वेयर हैकिंग ऑन द तुंद्रा. इट वॉज मार्च एंड नाउ एंड स्नो कवर्ड द ग्राउंड. तो ये मार्च का महीना था और जो पूरा स्नो जो था वो पूरा ग्राउंड को कवर करके रखा हुआ था. नदीन और नपुट जो है ये दोनों भाई बहन हैं और ये लोग तुंद्रा में घूमने गए थे, मतलब लॉन्ग वॉक पे गए हुए थे. फॉर देयर स्कूमो चिल्ड्रेन मार्च वॉज स्टिल एज अ विंटर मंथ. स्कूमो चिल्ड्रेन मतलब वहाँ के जो बच्चे लोग हैं उनके लिए अभी भी ये मंथ जो है वो ऐसा मंथ था, मतलब विंटर का मंथ था. आई विश देयर वॉज समथिंग टू सी सेड द नटून ग्रिमफली. तो जो नदीन जो है सॉरी नपुट जो है वो क्या बोल रहा है कि कुछ अगर ऐसा कुछ हो यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिल जाए, वो सैड होकर वो ये बात बोल रहे थे. सो डू आई एग्री दिस सिस्टर, दिस हाइक इज इट मच फन. सो ये अपने सिस्टर से पूछ रहे हैं कि क्या ये जो है हैकिंग जो हम लोग लॉन्ग वॉक पे जा रहे हैं देखने के लिए वो क्या यूज़फुल है, ये फनेबल है. यहाँ क्या होता है, इन द डिस्टेंस स्मोक वॉज बॉइलिंग आउट ऑफ द चिमनी एंड देयर विलेज अ ब्रिज वॉज ब्लोइंग एंड द चिल्ड्रंस स्नग्ड डीपर इन टू देयर पार्क फॉर हर वॉर्म. तो वहाँ क्या देख रहे थे कि दूर डिस्टेंस पे दिखा कि जो विलेज है गांव है जहाँ पर पूरा चिमनी से धुआं निकल रहा है और जो ठंड से बचने के लिए बच्चे लोग क्या किए हैं कि एक पार्क है वहाँ जाकर वो लोग बैठ गए ताकि अपने आप को लोग गर्म रखें. यहाँ पे आ जाइए देखिए, फादर सेड देयर वॉज अ आर्टिक फॉक्स ऑफ आउट हेयर. तो जो यहाँ का जो नदीन के फादर है वो क्या बोले थे नदीना नपुट के फादर कि यहाँ पर एक फॉक्स रहते हैं. मटर नपुट, नपुट जो है वो बोला धीरे से, आई सी समथिंग द स्नो डॉग. आई सी नथिंग ऑफ द स्नो डॉग. और वो क्या बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ एक स्नो डॉग दिखा और कुछ नहीं दिख रहा है. मे बी देयर फर इज सो वाइट इन द इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी दैम. और ये बोल रहे हैं कि उनका जो फर जो है वो वाइट है इसलिए वो लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं. द चिल्ड्रेन स्क्वीज्ड अगेंस्ट द सन फ्रॉम फार एज आईज कुड सी देयर वॉज नथिंग बट द ग्लेस ऑफ स्नो कवर्ड तुंद्रा. अब वहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चे लोग जो है वो बच्चे जो हैं वो अपने आँख साइड करके देख रहे थे धूप को ताकि उनको महसूस हो, लेकिन वो क्या पूरा जगह क्या दिखा, सिर्फ तुंद्रा में वो स्नो जो है उसे पूरा कवर करके रखा हुआ था. लेट्स गो बैक सेड नदीन, मे बी वी विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू एट होम. और वो लोग बोल रहे हैं कि चलो हम लोग घर चलते हैं, शायद हमें कुछ वहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए मिल जाएगा. द चिल्ड्रन टर्न्ड एंड हेडेड टूवर्ड्स द विलेज. अननोन टू देम अ पेयर ऑफ ब्लैक आईज वॉच देयर एवरी मूव. तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वो लोग विलेज के साइड से मुड़े एक पेयर ऑफ आइस जो है उसे वॉच कर रहे थे, वो दोनों को देख रहे थे. द आइस बिलोंग एन आर्टिक फॉक्स, जो आइस जो है वो किसका था, एक आर्टिक फॉक्स का था. सी हैज़ हर्ट हर फुट ऑन द आर्टिक आइस एंड वॉज लिम्पिंग फॉर द वाउंड ऑफ पेनफुल. तो वो जो ये जो आर्टिक फॉक्स है उसे चोट लग गया था आर्टिक आइस में, आइस से चोट लगा हुआ था और वो लंगड़ा के चल रही थी. एज द चिल्ड्रंस मेड देयर वे होम, जैसे जैसे वो चिल्ड्रन जो है बच्चे दोनों अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, द फॉक्स मैनेज टू कीप स्पेस. और वो जो फॉक्स है उसके पीछे स्पेस जाकर सी वॉज
स्मॉल एनफ दैट तुंद्रा हमोक्ड हाइट, तो वो इतना छोटी थी कि वो जो तुंद्रा में जितना भी स्नो था उसे हाइड कर दे रहा था। नसी हो भैया, देयर वॉज अ पर्पस इन हर विगल, तो उसके पीछे जो चलने का जो कारण था उसके पीछे कुछ कारण था। हर इंजरी हैज लेफ्ट हर अनेबल टू हंट, तो जो उसे जो चोट लगा था वो अब शिकार नहीं कर पाएगी। सी वॉज सी कुड नॉट कीप अप इन नकून द पोलर बियर, जो नकून जो है वो एक पोलर बियर है और वो उसके साथ रहती थी। इधर समथिंग समटाइम नकून लेफ्ट स्क्रैप फ्रॉम हिज ओन हंट एंड द फॉक्स एट अवे एट विल, तो वो जो पोलर बियर है वो कुछ खाते जब हंट करके शिकार करके जो लेकर आता था उसमें जो कुछ बच जाता था तो वो जो ओल्ड जो फॉक्स जो है आर्टिक फॉक्स उसे खाकर अपना गुजारा कर लेता था उस टाइम तक। बट राइट नाउ द बियर वेयर ऑल आउट ऑफ आउट ऑन द ओशियन सी ओशियन आइस एंड द लिटिल वाइट फॉक्स हैडेंट फॉलोड, लेकिन अब क्या हुआ जो पोलर बियर जो है वहाँ वो अब वहाँ पे नहीं है आर्टिक आइस में नहीं, वो बाहर गया हुआ है और लेकिन ये जो आर्टिक फॉक्स है वो उसको फॉलो नहीं किया है। सी वॉज वेरी हंग्री, और वो जो है आर्टिक फॉक्स वो बहुत ही भूखी थी। सी वुड प्रेस्ड इज इफ़ सी डिड नॉट ईट इन अ शॉर्ट वाइल, वो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे कि मर जाएगी भूख के कारण, वो मर जाएगी अगर थोड़ा सा और कुछ ना खाई तो। देयर वॉज वन इंडिमिनेट होप फॉर द फॉक्स, एक ही इसके पास होप था फॉक्स के पास, वो क्या हैड द चिल्ड्रेन बॉट समथिंग टू ईट, उसे ऐसा लग रहा था कि क्या वो जो बच्चे जो आए हैं नटून और नदीन, वो नपुट और नदीन जो है वो क्या शायद उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए होंगे। द फॉक्स हैज़ बीन नियर ह्यूमन बिफोर और एंड हैड डिमेंड फॉर लेफ्ट ओवर, सी क्रोज लो एंड फॉलोड विद द हेल्थी स्टेप, और वो जो है जब वो उसे ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं है तो वो जो फॉक्स है उसके पीछे पीछे धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वो चलती गई। फर्दर आउट ऑफ द तुंद्रा वॉज अनदर एनिमल, जब वहाँ से जब तुंद्रा से जब बाहर निकल रहे थे तो वहाँ एक और एनिमल्स का पता चलता है, वो क्या इट वॉज अ काविक, वो एक काविक है द वुलर्नर, हिज फ्रिगेंस डार्क आइज ग्लिटर्ड एज दे आर वॉचिंग द फॉक्स, और वो जो फॉक्स जो है वो कविक जो है वो क्या कर रहा था उस जो फॉक्स को वॉच कर रहा था, वो उसे देख रहा था। ही टू वॉज हंटिंग, और वो भी शिकार करने वाला था। लिम्पिंग हिंग वेयर स्क्रेच देयर नो रैबिट्स एंड द सिक द ग्राउंड उन स्क्वीजल वॉज स्टिल अंडरग्राउंड इन द लॉन्ग विंटर स्लीप, तो वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था उसे हंटिंग के लिए, ठीक है कविक के लिए कुछ नहीं था खाने के लिए वहाँ पर, तो वो क्या कर रहा था वो भी बहुत भूखा था, ना तो रैबिट था और ना ही स्क्वेरल, जो रैबिट भी कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे और स्क्वेरल भी, विंटर चल रहा था इसलिए वो लोग बाहर नहीं निकले थे। कविक द फॉक्स लुक्ड गुड टू ईट, कविक को ऐसा लगा कि जो फॉक्स जो है वो खाने में इंटरेस्टिंग होगा, खाने में अच्छा होगा। ही सॉ दैट हर द स्नो डॉग वॉज हंट, तो वो जो डॉग जो है मतलब जो फॉक्स जो आर्टिक फॉक्स वो हंट कर लिए है। सी वुड बी क्विक एज इजी प्रे, तो वो उसे चाह रहा था क्या कि उसे एज वो ऐसे वो भी उसे खा सकता है। नपुट एंड नदीन इन एम्बेल्ड अलोंग दे स्टडीड द फ्रोजन स्नो एंड वंडर्ड व्हाई इट मेड अ क्रशिंग साउंड अंडर द मुकलकुल, दे थॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग टू सी ऑन टेलीविज़न, तो उन्हें ऐसा लग रहा था वो फ्रोजन वो जो जगह था उसके बारे में और कुछ जानने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन वहाँ कुछ समझ में नहीं आता तो वो लोग सोचे कि शायद जो टीवी में देखते वो लोग उस तरह से होगा। रिमेंडर हिज फेवरेट प्रोग्राम वुड बी ऑन द दैट इवनिंग, तो उसी दिन जो है इवनिंग में उनका फेवरेट प्रोग्राम आने वाला था। द डे वुड नॉट बी अल्टर लॉस्ट, जो वो जो प्रोग्राम जो था उसे अब छोड़ने के लिए नहीं चाहते। स्टूडेंट्स आज हम यहीं पर स्टॉप कर ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू कर
इसे ख़त्म कर देंगे. ओके, सो स्टे होम एंड बी सेफ. थैंक यू.